फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हीट कैपेसिटी एंड गामा वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपीसी भी किसी गिवन केस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब लोगों को सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? इट इज दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी temperature of a substance by unit temperature ये unit temperature आपको क्या हो सकता है, 1 degree celsius या 1 केल्विन आपको हो सकता है। यूनिट टेम्परेचर क्या हो सकता है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ई डी क्यू इज द amount of heat required to raise the temperature by dT. If dQ is the amount of heat required to raise the temperature by dT, ठीक है, तो हम यहां से क्या सीखें, dQ amount of energy is required to raise the temperature of the substance by dT। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, since dT temperature रेज करने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट कितना है आपको, dQ है, इसीलिए यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, dQ by dT। क्या हो जाएगा आपको, dQ by dT हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं C। क्या कहते हैं इसको, C का, C का नाम क्या है आपको, हीट कैपेसिटी। C का नाम क्या है आपको, C का नाम है आपको हीट कैपेसिटी। अब यहां पर हमें ये एक चीज सीखना है कि C dQ से डिफाइन किया गया है, एंड dQ जो है आपका पाथ डिपेंडेंट होता है, और dQ पाथ डिपेंडेंट होने की वजह से C भी आपका पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लिखते हैं इस बात को, सिंस dQ इज पाथ डिपेंडेंट, दस C इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, dQ आपका पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए C भी आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा, और इसी कारण से हम लोग को टर्म आता है, क्या टर्म आता है हम लोग को, CE। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, CE को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी capacity at constant pressure, heat capacity at constant pressure dQ by dT। ठीक है, at constant pressure, इसी को हम लोग पहले पढ़े हुए हैं dH by dT।
क्या पढ़े हुए डी एच बाई डी एंड सी डी क्या आ जाएगा हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज डी क्यू बाई डी टी इसी को डी यू बाई डी टी क्या कहते हैं इसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी हम इसको कहते हैं डी यू बाई डी टी भी हम इसको कहते हैं ये हम ऑलरेडी सीखे हुए ठीक है ये हम ऑलरेडी सीखे हुए ठीक है अब क्वेश्चन उठता है कि हीट कैपेसिटी किन बातों पर डिपेंड करता है तो हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कैसे ये देखिए मान लो एक सब्सटेंस 1 kg का है और एक और सब्सटेंस है 2 kg दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है सब कुछ दोनों का एक ही केस है केवल मास एक ब्लॉक का 1 kg है और दूसरे ब्लॉक का 2 kg है ठीक है अब आप एक चीज बताइए यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर इसको 10 जूल देना पड़ता है तो क्या इसको भी सेम सब्सटेंस का बना हुआ है तो क्या इसको भी यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर देने के लिए 10 जूल ही देना पड़ेगा नहीं इसको 20 जूल देना पड़ेगा चूंकि इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसको यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आपको 10 जूल देना पड़ा तो 10 जूल यहां देना पड़ेगा और 10 जूल यहां देना पड़ेगा 20 जूल आपको टोटल देना यानी कि एक चीज पता चलता है कि किसी सब्सटेंस का मास जितना ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी उसका उतना ही ज्यादा होगा मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय यूनिटी वो उतना ही आपको ज्यादा होगा ठीक है तो ये चीज यहां से आपको क्लियर होता है चलिए ये एक और बात पर भी डिपेंड करता है और वो है कॉम्प्लिकेशन इन द कॉम्प्लिकेशन इन द मॉलिक्यूल ये जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा उसका हीट कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा इसको आप ऐसे सबसे पहले आप समझिए कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है चलिए कॉम्प्लिकेशन का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कॉम्प्लिकेशन और जैसे आप देखिए हीलियम नाइट्रोजन CO2 SO2 अमोनिया है मीथेन इन सब का स्ट्रक्चर में ब्रीफली आप देखें ये तो मोनोएटॉमिक होता है ये आपका एक एटम और दूसरा एटम पूरा होता है ये आप एक एटम दो एटम तीन एटम पूरा होता है ये आप एक एटम दो एटम तीन एटम पूरा होता है ये आपको ऐसे जुड़ा होता है ठीक है और ये आपको जुड़ा होता है ठीक है तो जितना ज्यादा एटम उसमें एसोसिएटेड होंगे कॉम्प्लिकेशन उसमें उतना ही ज्यादा होगा सबसे सिंपल आपको कौन दिखाई देगा एक सिंगल एटम इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये इससे ज्यादा ये और तो इनका कॉम्प्लिकेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन का ऑर्डर आपको यहाँ ये तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा ठीक है मॉलिक्यूल का हीट कैपेसिटी उतना ही ज्यादा देखिए कैसे मान लो आपको इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करना तो इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आप इसको कुछ हीट दोगे वो हीट
आप ये लेगा अपने अपने काम में खर्च करेगा, लेकिन उतना ही डिग्री सेल्सियस से उतना ही चेंज इसके स्टेटस में लाने के लिए इसमें अगर आप हीट देने जाएंगे, जितना स्टेटस चेंज इन दोनों में आया है, इस तरह से सोचिए कि यूनिट डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर चेंज अगर किया जाए तो इन लोगों में कुछ चेंजेज आते हैं, उस चेंजेज को करने के लिए उसको कुछ हीट देना पड़ता। अब सेम स्टेटस चेंज यहाँ पर अगर करवाना हो तो आपको इनको भी वो उतना हीट देना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी कि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए टेम्परेचर, आपको उतना ही ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा। और इसी कारण से यहाँ पर लिखा जाता है कि हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लिकेशन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, इस चीज को भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज हमें यहाँ और सीखना होता है, जैसे हम लोग सीखे सीबीसी, ये जो सी लिखा हुआ है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, सीबीसी है, यहाँ सी जो लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एक और टर्म यहाँ होता है सी पी एन करके लिखा रहे, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसको कहेंगे, पूरा नाम है इसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा Cp, ये कैपिटल वाला डिवाइडेड बाई n पर मोल, ठीक है। इसी तरह से Cvn भी आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट व्हाट वॉल्यूम, और ये लिखा जाएगा Cv बाई n, क्या लिखा जाएगा आपको, ये Cv बाई n आपको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपको Cv बाई n। तो इसी Cvn और इसी Cvn को हम लोग यूज करते हैं। एक और टर्म आपको केमिस्ट्री में तो कम यूज होगा, फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, फिजिक्स में आपको एस का यूज किया जाता है सी के जगह, तो वहां पर होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, और यहां पर यूनिट जो आप लिखते हैं वो पर मोल करके लिखने जाते हैं, और यहां पर जो होगा वो यूनिट में पर केजी आपको लगा होगा। ये बस दोनों में अंतर है, फिजिक्स में एस वाला ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में आपको ये वाला ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग को आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है वो हम लास्ट में सीखेंगे। पहले हम लोग ये सिस्टम सीखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम मेनली आपको काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एटम्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो कुछ वाइब्रेशन एनर्जी भी आपका होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वीपी वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास क्यों होता है, जैसे कोई आपको मॉलिक्यूल है उसके एटम्स या मॉलिक्यूल ऐसे हो या तो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलावा, या तो रोटेटरी मोशन में होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो मोशन में होगा तो उसके कारण भी आपको काइनेटिक एनर्जी आपको सिस्टम के पास होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होता है वो उस समय काम करता है जैसे आपको सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, लिक्विड है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, रियल गैसेस है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो ऐसे केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी काम करते रहता है। लेकिन अगर आइडियल गैस हो तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप काम नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम एग्जिस्ट ऑनली इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड रियल गैसेस इन विच फील्ड फोर्स एग्जिस्ट,
फील्ड फोर्स मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस में तो होता नहीं है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां होते नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मीनिंगलेस फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो क्या कहता है? ये लॉ हमें ये कहता है कि किसी सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, किसी सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, वो सारे सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। किसी सिस्टम के पास जितने भी इंटरनल एनर्जी है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां 5 है और एनर्जी, अगर आपको इंटरनल एनर्जी टोटल 10 जूल है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपको 2 जूल एनर्जी बटा हुआ रहेगा। यही आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मतलब बराबर बराबर का बंटवारा होना, एनर्जी का बराबर बराबर बंटना। दिस लॉ स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मोड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है? तो हम लोग पहले इमीडिएटली डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्यों ना सीख लें, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब हम सीख लें तो फिर बाकी बात भी हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सीखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्टडी सिस्टम ऑफ एन एटम्स, सिस्टम ऑफ एन एटम्स इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्टडी द सिस्टम ऑफ एन एटम्स। कुछ इसको आप ऐसे समझो, मान लो आपको SO2 मॉलिक्यूल दिया गया जिसका स्ट्रक्चर होता है, अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो इसको स्टडी करने के लिए आपको x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस चाहिए। इसको भी स्टडी करने के लिए इंडिपेंडेंट है, जिससे इसको इससे कोई मतलब नहीं है, x एक्सिस चाहिए, z एक्सिस चाहिए, y एक्सिस चाहिए, इसको इन सब से कोई मतलब नहीं, x एक्सिस चाहिए, z एक्सिस चाहिए एंड y एक्सिस चाहिए। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे सभी के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 × n, जहां पर n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंगल मॉलिक्यूल। क्या है n, क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम मोनो एटॉमिक थ्योरी समझे तो क्या होगा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब। अगर मोनोएटॉमिक गैस के बारे में देखें तो मोनोएटॉमिक गैस में एक यूनिट में कितने एटम होते हैं, 1। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका, 3 × नंबर ऑफ एटम एक यूनिट में, 1, यानी कि 3।
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। तो 3 को हम यूज कैसे करेंगे? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज किया जाएगा टू स्टडी इन ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक और को यूज किया जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, और एक और को यूज किया जाएगा लास्ट को अलोंग दी जेड एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ट्रांसलेटरी मोशन को ध्यान देंगे, कौन सा मोशन हम यहां यूज करेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन को हम यहां यूज करेंगे। इसलिए चूंकि मोनो एटम्स जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत छोटा साइज का होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत कम होता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो रोटेटरी मोशन आपको इनसिग्निफिकेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पर केवल ट्रांसलेटरी मोशन को ही हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? अगर हमें ट्रांसलेटरी, अगर हमें मोनो एटोमिक के बजाय अगर हमें डाई एटोमिक दिया जाए तो थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब अगर हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन हम ले सकते हैं? लाइक N2O2 HCl CO, NO, इट्स, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं और भी आप, ठीक है? तो यहां नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 है, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 × 10, दैट इज 3 × 2 = 6। ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें से 3 का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है? इसको ऐसे आप सोचिए, ये आपको है मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये आपको एज ए होल इसको स्टडी करिए, इंडिविजुअली स्टडी मत करिए, एज ए होल इस मॉलिक्यूल को आप स्टडी करिए। तो एज ए होल स्टडी करेंगे कि अलोंग दी एक्स एक्सिस जा सकता है, अलोंग दी एक्स एक्सिस जा सकता है, अलोंग दी वाई एक्सिस जा सकता है, अलोंग दी जेड एक्सिस जा सकता है, along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis, है ना? तो ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एज ए होल अगर स्टडी करिएगा तो 3 कोऑर्डिनेट आपको खर्च हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करने। अब इसको देखिए, अब अगर इसको आप रोटेटरी मोशन को स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोटेटरी मोशन ऐसे मॉलिक्यूल आपको रखा हुआ, रोटेटरी मोशन अगर इसको आप ऐसे रोटेट करते हैं तो एक्सिस से अवे मास डिस्ट्रीब्यूशन गया हुआ है, इसलिए सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा इस एक्सिस के अलावा, इसलिए इसके अलावा रोटेटरी मोशन को स्टडी करना जायज है, ठीक है? ऐसे देख लीजिए, ये वाई एक्सिस ऐसे आपने ले रखा है, बना लीजिए x-axis, y-axis, z-axis, ठीक है? तो along the y-axis अगर देखें तो आप इसको moment of inertia को consider कर सकते हैं। along the x-axis देखें, along the x-axis यानी ऐसे ऐसे जब आप घूमते हुए देखेंगे इसको तो सारे atoms जो है वो तो axis पर lie कर गए, ये देखें दोनों atoms तो axis पर lie कर गए, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको जीरो हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब इसका जीरो हो जाएगा तो एक्स एक्सिस के अलावा रोटेशनल मोशन को कंसीडर करना उचित नहीं है। तो वाई एक्सिस के अलावा रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे
एक्स एक्सिस के अलावा नहीं करेंगे, जेड एक्सिस के अलावा देखिए। अगर इसको हम चाहें तो हम जेड एक्सिस के अलावा इसको घुमा सकते, ठीक है। एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर किया जाएगा। तो यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि रोटेशनल मोशन को केवल दो ही एक्सिस के अलावा कंसिडर किया जा सकता है। इसको लिखा जाए रोटेशनल मोशन इस गिवन केस के लिए मैं लिख रहा हूं अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस ओनली, ठीक है। अब आपको बचा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 6 है, जिसमें से 5 को आप यूज कर लिए, अब आपके पास एक बचा, तो एक कहां जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं ये दोनों एटम्स एक दूसरे के रिलेटिव वाइब्रेट कर सकता है ना वाइब्रेट। इसीलिए एक जो रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा वो कहां चला जाएगा, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन को स्टडी करने में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके इस तरीके से बांटे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डाई एटॉमिक के बजाय ट्राई एटॉमिक रहे तो क्या करेंगे, तो लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल CO2 CH2 अगर गैसेस स्टेट में है तो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 होगा, 3 एटम एक मॉलिक्यूल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इट इज 9, ठीक है। एज ए होल अगर देखें इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एज ए होल देखें तो ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन along the x axis, along the y axis, along the z axis होगा, ठीक है। तो तीन आपको खर्च हो गए ट्रांसलेटरी मोशन के along, ठीक है। और इसी तरीके का ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो रोटेशनल में यहां भी आपको केवल y एंड z axis के along ही होगा, तो दो आपको खर्च हो जाएगा रोटेशनल मोशन के अलावा, ठीक है। और बाकी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बची है, 4 तो खर्च होगा, तो कहां होगा, तो वाइब्रेशनल मोशन पे मोशन आपको खर्च होगा, किसमें खर्च हो जाएगा। तो ये हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिसके अलाउ जिस काम में खर्च होता है उसको हम चाहें इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक आपको नॉन लीनियर भी तो हो सकता है, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको SO2 गैस, ठीक है। SO2 गैस आपको बेंट या एंगुलर शेप का होता है, ऐसा होता है बेंड या एंगुलर या वी शेप भी लोग इसको करते हैं, इस तरह का ये आपको होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर भी आपको 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें 3 × 3 दैट इज 9 होगा, जिसमें से 3 का आप यूज करेंगे किस केस में, ट्रांसलेटरी मोशन। ये देखिए ये ऐसे देखिए along the x axis, along the y axis, along the z axis, ठीक है। इसी के लिए अब इसको रोटेटरी में देखिए, along the x axis जब इसको रोटेट करिएगा तो ऐसे रोटेट करिए, तो इसका एक्सिस से अवे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं मास का, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंसिडर किया जाएगा,
वाई एक्सिस के अराउंड सोचिएगा तो ऐसे सोचिए, ये वाई एक्सिस ऐसे सोचिएगा, तो एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कंसिडर किया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अलोंग द जेड एक्सिस देखिएगा तो ऐसे देखिएगा, ऐसे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है अवे फ्रॉम द एक्सिस, इसके तीनों एक्सिस के अलावा कंसिडर होगा, ठीक है, किसके अलावा रोटेटरी मोशन के लिए तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम खर्च होंगे, और रिमेनिंग जितने भी बच जाए सबको आप किसमें दे दीजिए, वाइब्रेटरी मोशन में, तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एक और सिग्नल है टेट्रा एटॉमिक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मीथेन एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, मीथेन सॉरी अमोनिया, अमोनिया आपको आते रहता है, तो अमोनिया कैसे आप कंसीडर करेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आपको कितने मिले, तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर देखा जाए तो आपको तीन और एक चार, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम करें तो 3 × 4 यानी कि 12 हो जाए, तो 3 ट्रांसलेटरी में खर्च होगा, 3 रोटेटरी में खर्च होगा, और बाकी जितना बच जाए सारे के सारे आपको वाइब्रेटरी मोशन में यूज हो जाए, कहाँ यूज हो जाएगा आपको सारा का सारा वाइब्रेटरी मोशन में आपको यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा काउंट करना सीखें तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अगर देखें तो हाफ के टी एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ कटिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पर के क्या है, के आर बाई एम ए होता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ये गैसेस स्टेट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ के टी एनर्जी इज एसोसिएटेड विद दी विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी है, तो 3 × 1/2 kT कितना हो जाएगा, 3/2 kT ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसी तरीके से रोटेशनल के लिए देखते हैं, फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है, यहां पर भी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड होता है, हाफ के टी एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ के टी एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको, ठीक है, अगर आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, अगर आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 2 × 1/2 kT यानी कि सिंपली kT, और इफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी कभी 2 होता है, अभी हम लोग देखें कभी कभी 3 भी होता है, तो ऐसे केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 1/2 kT यानी कि 3/2 kT इसका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा। वाइब्रेशनों का भी देखते हैं,
तो वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन में ऐसा होता है कि जब वाइब्रेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एसोसिएटेड होता है। तो लिख लेते हैं पहले इस बात को, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर एसोसिएटेड, ठीक है। वाइब्रेशन जब भी होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है आपको, वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी हम देखते हैं तो हाफ इंटू म्यू इंटू वी, इसका समथिंग कॉन्स्टेंट जो मास पर डिपेंड करेगा, इंटू वी वेलोसिटी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपको हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड होगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड होगा। टोटल आपको के टी एनर्जी एसोसिएटेड होगा, के टी एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर रहा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी आपको देना होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी देना होगा। तो हाफ के टी इसके करस्पॉन्डिंग, हाफ के टी इसके करस्पॉन्डिंग, टोटल आपको के टी आपको एनर्जी एसोसिएटेड होगा करस्पॉन्डिंग टू ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ एक डिफरेंस थोड़ा देखिए, अगर केवल काइनेटिक एनर्जी वाला, अगर केवल आपको ट्रांसलेटरी मोशन का हो तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड होता है। अगर रोटेटरी मोशन, अगर कौन सा रोटेटरी मोशन है तो हर आपको रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग आपको हाफ के टी एनर्जी एसोसिएटेड होता है। लेकिन अगर वाइब्रेटरी मोशन हो तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन में आपको के टी, यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिएगा, यहाँ हाफ के टी, यहाँ भी हाफ के टी, लेकिन यहाँ पर क्या है, के टी। दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं N2 मॉलिक्यूल। मान लो एग्जाम्पल है हमारा N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो 3 × नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6। 6 आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। 6 आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपको जिसमें से बटेगा एक कैसे, 3 + 2 + 1, 3 करस्पॉन्डिंग किसके रहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, 2 किसमें होगा, रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, और 1 कहाँ जाएगा, वाइब्रेशन के लॉ, ऐसे ही मैंने अभी आपको सिखाया था, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी अगर हम देखें यहाँ, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखे तो कितना हो जाएगा, N2 का 3 × 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 × 1/2 रोटेशनल पूछा गया कितना हो जाएगा, 2 है, 2 × 1/2 kT कितना हो जाएगा, सिंपली के टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 kT। एंड वाइब्रेशनल एनर्जी तो दोनों होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके करस्पॉन्डिंग के टी एनर्जी होता है, तो कितना हो जाएगा आपको, सिंपली के टी हो जाएगा, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। तो यहां पर आप एक चीज देखें, देर को
इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाए? इंटरनल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम एट लो टेम्परेचर देखें तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? तो लो टेम्परेचर का N2 गैस क्या है? आइडियल गैस है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए। क्यों? आइडियल गैस होने के कारण। समझ में आया? आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। वाइब्रेशनल एनर्जी, मैं आपको बता दूं लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ना के बराबर करते हैं, इसलिए जीरो हो जाता है। कब? एट लो टेम्परेचर होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2/2 kT, इन दोनों का जब आप ऐड कर देते हैं तो आपको आ जाता है 5/2 kT। ये लो टेम्परेचर पर, यानी कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही का समेशन। तो हम इसको ये भी देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस, जिसको लिखा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके करस्पॉन्डिंग? काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने दिया? 5। यही 5 यूनिट है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू केटी बाई 2, क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू केटी बाई 2 आप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम केटी बाई 2, और ये सभी गैस के लिए आप तो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब तीसरी चीज को एट हाई टेम्परेचर देखने जाते हैं। एट हाई टेम्परेचर पर जब आप जाते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स एक्टिव। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के आइटम्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाने की वजह से वो वाइब्रेट करने लगता है, और वैसे केस में आप इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस है तो अगेन जीरो होगा। वाइब्रेशनल एनर्जी इस बार आपको काउंट करना होगा, केटी प्लस 2/2 kT प्लस 3/2, ठीक है। ट्रांसलेशन थोड़ा सुधार लीजिए, ऐसा हो जाएगा 3, और यहाँ रोटेशन कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 7 7/2 kT, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7/2 kT। तो ये कब होगा? एट लो टेम्परेचर। और ये कब होगा? एट हाई टेम्परेचर। इतने बारीकी से आपको इन सब चीजों को जानना, ठीक है। मैं बढ़ूं आगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इतना चीज जो सीखे उससे गामा सीपी एंड सीडी कैसे निकलता है। तो टॉपिक का नाम ही दे देते कैलकुलेशन ऑफ गामा सीपी एंड सीडी। कैलकुलेशन ऑफ गामा सीपी एंड सीडी, ये स्मॉल वाले मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए एक एग्जांपल के जरिए सीखते हैं।
मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि इसी को अभी ले रहे थे तो इसका समझना आसान है। यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखा जाए तो 6 होता है, कितना होता है 6। 6 में आपको 3 होता है ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, कहा होता है ट्रांसलेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग 3, ठीक है। 2 कहा होता है रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, और 1 कहा होता है वाइब्रेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां अगर देखें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या देखना है, कॉन्ट्रीब्यूशन सीधी कैसे निकालना। तो यहां पर 3 है तो 3 × r/2, ठीक है। हाफ के टी जो लिख रहे थे तो पर मॉलिक्यूल था ½ × r/NA × t, ठीक है। ये पर मॉलिक्यूल है, पर मोल अगर लिखने जाएंगे तो ½ × r/NA × t × NA, कट जाएगा 1/2 r × t, कितना आया 1/2 r। तो पर मोल लेने जब जाते हैं तो r/2 लेना होता है, समझ में आ गया आपको, तो? ठीक है। रोटेशनल, तो रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 × r/2। वाइब्रेशनल 1 × r, मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का ये ट्वाइस होता है इस डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग। इसमें अगर देखा जाए एट हाई टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर आपको ये दोनों एक्टिव होता है या नहीं एक्टिव होता, हाई टेम्परेचर पर ये आपको तीनों एक्टिव होता है। ये तो मैं आपको थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था कि लो टेम्परेचर पर कौन कौन एक्टिव होता है, तो लो टेम्परेचर पर पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एट लो टेम्परेचर सीधी कितना हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3 × 2 5 × r/2, ठीक है। ये कैसे आया है 3 r/2 + 2 r/2, ठीक है। इसीलिए Cp कितना हो गया, तो Cp होता है Cb + r, Cb कितना है 5 r/2 + r, कितना हो जाएगा 7 r/2, तो इसीलिए गामा कितना हो जाएगा Cp / Cb, Cb कितना है 7 r/2, Cb कितना है 5 r/2, r/2 कैंसिल हो जाएगा 7/5, लिख सकते हैं इसको 5 + 2/5 1 + 2/5, चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं। जहां पर 5 आपको नजर आ रहा होगा कि लो टेम्परेचर पर एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5, तो यहां से आगे 1 + 2/5 एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अभी है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर देखते हैं, एट हाई टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक्टिव, तो वहां पर सी ही आपको कितना हो जाएगा, सी ही आपको हो जाएगा 3 × r/2 2 × r/2 + 1 × r, ऐड करेंगे 7 r/2 है। इसीलिए Cp जो कि Cb + r के बराबर हो जाता है वो 7 r/2 + r 9 r/2, और इसीलिए जब गामा निकालने जाएंगे तो Cp / Cb आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 r/2 / 7 r/2,
आर बाई टू आर बाई टू नाइन बाई सेवन यानी कि सेवन प्लस टू बाई सेवन यानी कि वन प्लस टू बाई सेवन। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी एक्टिव करें तो तीन दो पाँच रे छः है और यहाँ पे कितना है? सात आ गया। यानी कि हाई टेम्परेचर पर ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप इस फार्मूला को ध्यान रखिए, गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कब वैलिड है? वैलिड एट लो टेम्परेचर ओनली। ये इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर के गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सीपी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीवी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट ही हो गया है। तो लिमिटेशन भी हम लोग उसका सीख लिया। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए वी कैन ओनली प्रेडिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेवर असेस अ सर्टेन द फीजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। इट कैन ओनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द गिवन प्रोसेस। So this is one limitation of the first law of thermodynamics. The second limitation is that the law is completely clueless why some processes occurs on its own and why some other needs the external push or external intervention or driving force. This is the second limitation of first law of thermodynamics. These two limitations are most important. So, using the law, we can only calculate the value of change in internal energy, and we cannot predict the feasibility of any thermodynamic process. Yeah, first of all, it is clueless about why some processes occur on its own and why some other needs external help or driving force. So, इन सब को overcome किया गया है second law of thermodynamics में, जिसमें हम लोग एंट्रोपी के बारे में सीखेंगे। थैंक यू ऑल, ठीक है।